अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा एनसो स्कॉलरशिप के बारे में। ये जो एनसो है, ये है अलायंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेल्ट एंड रोड रीजन। ये चाइना का एक अदारा है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। उन्होंने नीचे उसके बारे में लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा हुआ है कि जी ये 2018 के अंदर ये कायम हुआ था। नीचे उन्होंने फिर उन्होंने लिखा है कि इसके अंदर 37 साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड इसके अंदर शामिल है। फिर नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी इसके अंदर आपको 200 मास्टर स्टूडेंट्स को पीएचपी और 300 पीएचडी स्टूडेंट्स को इसके अंदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी एनसो के अंडर। और फिर नीचे भी उन्होंने बताया हुआ है इसका काम है प्रमोट करना चाइना के अंदर और वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी को, इस टाइप की चीज़ों को, और इनोवेशन के अंदर जिद्दत लाना। ये चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। नीचे फिर उन्होंने उसका कवरेज का बताया हुआ है कि ये पीएचडी और मास्टर लेवल के ऊपर है, ट्यूशन आपकी टोटल खत्म हो जाएगी। और ट्यूशन मैंने इसकी चेक की, इन दोनों यूनिवर्सिटियों में जब ये जो स्कॉलरशिप मिल रही है, दो यूनिवर्सिटियों के अंदर मिल रही है, और दोनों की जो फी है तकरीबन $5,000 है एक साल की, तो तकरीबन आप 10,000। और ये जो प्रोग्राम है मास्टर का है, 3 साल का, इसका मतलब $15,000 इसमें आपको जो फी आपकी खत्म हो जाएगी, और बाकी जो है आपको 3,000 आपको चाइनीज मिलेंगे। ये तकरीबन बन जाते हैं $500, $400, $500, और ये तकरीबन $8,000, $9,000 बन जाते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, ये तकरीबन आप कह लें किसी भी एडवांस कंट्री में जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है किसी अच्छे कंट्री में, यूरोप में या अमेरिका में, आगे पीछे, तो उतनी स्कॉलरशिप यहाँ पे भी आपको मिल रही है, काफी अच्छी अमाउंट आपको मिल रही है यहाँ पे स्कॉलरशिप में। नीचे आ जाए, नीचे फिर उन्होंने बताया हुआ है, नीचे फिर उन्होंने इस तरह की और चीजें इस तरह बताई हुई हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाए एलिजिबिलिटी के ऊपर, एलिजिबिलिटी उन्होंने लिखी हुई है कि आपकी जो 30 ईयर एज हो मास्टर के लिए, इस तरह उन्होंने पीएचडी के लिए भी उन्होंने यहाँ पे सन लिखा हुआ है, आप इसको खुद कैलकुलेट कर लें। फिर नीचे उन्होंने नोट बताया हुआ है कि एनसो के अंदर स्कॉलरशिप के लिए आप सिर्फ एक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी, एक उन्होंने बताया हुआ है यूएसटीसी यूनिवर्सिटी है, दूसरा उन्होंने यूसीएएस यूनिवर्सिटी है। अगर आप दोनों में इकट्ठा अप्लाई कर देंगे तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और दूसरा आपको बता दूं, ये जो दोनों यूनिवर्सिटी हैं टॉप की यूनिवर्सिटी हैं, इटली चाइना की और वर्ल्ड की भी ये बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं जो आपकी फर्स्ट है यूनिवर्सिटी यूएसटीसी, इसके बारे में ये देखें, ये उन्होंने बताया हुआ है कि यूएसटीसी जो है ये वर्ल्ड के अंदर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये 137 के ऊपर आती है और चाइना के अंदर ये टॉप की एक यूनिवर्सिटी है। फिर जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में ये जो है UCAS, ये देखें इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है UCAS जो है ये 55 नंबर के ऊपर है वर्ल्ड में और एक और रैंकिंग है, और उन्होंने बताया हुआ है चाइना के अंदर ये फर्स्ट प्लेस पे आती है। नीचे फिर उन्होंने इस तरह एक और रैंकिंग भी है उन्होंने बताया हुआ है कि इंडिकेट करती है रिपोर्ट कि जी ये 76 नंबर पे थी वर्ल्ड वाइड और चाइना के अंदर ये फर्स्ट थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने आपको दोनों इसकी रैंकिंग बताई है, अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है इटली की टॉप की यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट नंबर की, जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जो फर्स्ट नंबर पे आती है इटली के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया, वो जो रैंकिंग में आती है वो 154 क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आती है। लेकिन अगर आप चाइना की ये वाली यूनिवर्सिटी देखें जो 137 पे आती है, इसका मतलब है जो चाइना की ये वाली यूनिवर्सिटी है इटली की जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है उससे ये बेहतर यूनिवर्सिटी है। फिर नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी की, इसके यूएससीटीसी की वेबसाइट पे चले जाएंगे। नीचे आ जाए, नीचे उन्होंने लिखा है अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पे चले जाएंगे। आप दोनों में से एक यूनिवर्सिटी को चूज करें, मैंने आपको दोनों की रैंकिंग बता दी है, दोनों ही चाइना में अंदर वर्ल्ड टॉप की यूनिवर्सिटीज है और वर्ल्ड में भी टॉप की यूनिवर्सिटीज है। नीचे फिर आ जाए, नीचे फिर उन्होंने इसका बताया हुआ है कि आप इस लिंक पे जाएं, इन पोर्टल पे जाएंगे तो आपको, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर लें। फर्स्ट किया, पहले मैं आपको बताता हूँ यूएसटीसी के अंदर आपने कैसे अप्लाई करना है। ये जो साइट है, ये जिसके अंदर मैं आया हूँ, ये यूएसटीसी की साइट है, इसके ऊपर आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है। और चूंकि आप अभी सबसे पहले न्यू है तो आपने सबसे पहले, मैंने आपको इसकी बाकी चीजें सारी बता दी हैं, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट एन अकाउंट, आप इसके ऊपर क्लिक करें। अभी मैं यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। यहाँ पे देखें, अकाउंट क्रिएट करते वक्त सबसे पहले तो आपने अपना फैमिली नेम यानी कि लास्ट नेम, फिर उसके बाद गिवन नेम यानी कि फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने उस बाद दो दफा लिखना है, फिर जेंडर, फिर उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ, फिर पासपोर्ट नंबर, फिर नेशनैलिटी को सिलेक्ट अपनी करना है, फिर उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है दो दफ़ा,
उसको फिर कंफर्म किया दूसरी दफा, उसके बाद फिर यहाँ पे जो चेक कोड है वो आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे 3356 लिखा है, ये करने के बाद आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। उन्हें देखें यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अभी मैं जाके अपनी मेल को चेक करूंगा और वहां से मैं इसको अभी एक्टिवेट करूंगा सबसे पहले। यहां मैं कंटिन्यू टू अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देता हूं, इसलिए कि मुझे एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए कि ईमेल पे मैं वापस नहीं गया, इसलिए कि इसने मुझे उसी पेज के ऊपर ही मुझे बता दिया कि कंटिन्यू टू अप्लाई, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, इसलिए कि मैं अभी लॉग इन ही हूँ। ये देखें उन्होंने यहाँ पे लॉग आउट को मैं क्लिक करूंगा तो फिर मैं लॉग आउट हूँ। यहाँ देखिए मेरा नाम भी ऊपर आ गया है, हेलो हुसैन, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू टू अप्लाई इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसका ये वाला जो पेज ओपन हो गया है, इसके ऊपर आके अभी मैंने ये सारी जो लेफ्ट साइड पे आप चीजें देख रहे हैं, ये तो वेलकम है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस, चेंज पासवर्ड, इन सबको मैं अभी करता हूँ, तो आप देखते जाए मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले जब मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया तो मुझसे पूछ रहा है कि जी आपने अंडर ग्रेजुएट, मास्टर प्रोग्राम या पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम। इसके अंदर ये जो आपको जो स्कॉलरशिप मिल रही है ये आपको सिर्फ मास्टर प्रोग्राम में मिल रही है और पीएचडी प्रोग्राम में मिल रही है। तो यहाँ से फिर मैंने मास्टर प्रोग्राम यहाँ से फंस गया, मैं ये वाला मास्टर प्रोग्राम यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला जहाँ पे मास्टर प्रोग्राम लिखा हुआ है सेकेंड वाला, इसको क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद ये देखें उधर उन्होंने बताया हुआ है कि फुल ट्यूशन वेवर उन्होंने बताया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी इसके अंदर जो कवर हो जाएगी, उसके बाद मंथली आपको स्टाइपेंड इतना मिलेगा, उसके बाद अकोमोडेशन सब्सिडी के लिए आपको इतना मिलेगा। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये आपको अलहदा से मिलेंगे, ये अलहदा से मिलेंगे, तो मेरे ख्याल में ये $500 से भी ज्यादा अमाउंट बन जाती है अगर आपको ये सारी मिले। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इन्होंने फिर हमसे पूछा हुआ है कि जी USTC फॉलोशिप लेवल ए या फिर USTC फॉलोशिप लेवल ए। अच्छा इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है, ये हाँ ऊपर ये पूछ रहा है एनसो की, एनसो फंडेड फ्रॉम एनसो, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ये नीचे देखें, अगर आपने सेल्फ फाइनेंस के ऊपर करना है तो इन्होंने फीसें लिखी हुई है कि आपको इतनी करनी पड़ेगी। अभी मैं वापस चलता हूँ, मैंने ऊपर से स्कॉलरशिप को सिलेक्ट कर लिया है और अभी मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आके सबसे पहले तो आपने अपना सरनेम, फिर उसके बाद गिवन नेम, फिर चाइनीज नेम को आप छोड़ दें, फिर यहाँ पे जेंडर, फिर यहाँ पे स्टेटस आपका जो है आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद नीचे रिलीजन, फिर उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ, उसके बाद नीचे आपने अपना जो है वो सिटी लिखना है या प्रोवेंस लिखना है, फिर आपने अपना जो है कंट्री जिसमें आप इस वक्त रह रहे हैं, फिर उसके बाद आपने अपना सिटी, करंट सिटी जिसके अंदर आप हैं, फिर उसके बाद नीचे आपने अपना पासपोर्ट नंबर, फिर उसके बाद नीचे उसकी एक्सपायरी डेट, फिर आपने यहाँ पे पासपोर्ट अटैच करना है लेकिन वो JPG में हो, फिर उसके बाद आपने अपनी फ़ोटो भी अटैच करनी है वो भी JPG में हो, फिर उसके बाद आप उन्होंने पूछा हुआ है कि जी आपका क्या आप एमिग्रेंट तो नहीं है अदर कंट्री से, तो आपने इसको नो कर देना है अपने हिसाब में। उसके बाद उन्होंने नीचे पूछा करंट ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट भी कर सकते हैं या दूसरा कोई भी अपने हिसाब में, मैंने यहाँ पे इसको रख के, तो मैंने यहाँ पे फिर नीचे उसने कंपनी का नाम लिखा है, कंपनी का नाम लिख दें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दें या एम्प्लॉयर का भी नाम लिख सकते हैं, अगर आप किसी स्कूल में हैं अभी स्टूडेंट हैं तो फिर आप वहाँ स्कूल का या यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें। इन सब को करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जो सेकंड आ जाएगा ये आपसे पूछ रहा है कि एप्लीकेशन कैटेगरी आपकी मास्टर है, फिर आपने यहाँ से अपना सेलेक्ट किया कि किस कौन सा इसके अंदर, उन्होंने एक ही प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, नीचे से फिर आपने अपनी डिग्री चूज कर ली, मैंने यहाँ से सॉफ्टवेयर का किया इंजीनियरिंग, अगर आप इसको बदलना चाह रहे हैं तो पहले आप इसको यहाँ से इस तरह करके बदलें, तो फिर ये जाके यहाँ से देखें, यहाँ से मैंने दोबारा इसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैंने फिर यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके फिर मैंने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर फिर क्लिक कर देना है।
अभी ये मेरे पास आ गया है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, पहले था स्टडी प्लान सेकंड, और अब ये थर्ड स्टेप है इसके ऊपर। सबसे पहले तो आपने यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया। यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे बेशुमार यूनिवर्सिटी जो है वो आपको दे देगा, तो उसके अंदर से आपने अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली। अगर नहीं है तो आप अदर को चूज़ कर लें, तो अदर के अंदर जाके आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नीचे लिख सकते हैं। तो लेकिन इसने वही मेरा नाम जो है खुद ही रिपीट करके यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आप अदर में जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से लिख लें नीचे। फिर यहाँ से बैचलर डिग्री आपने सेलेक्ट किया नीचे, फिर आपने अपना मेजर जो था उसका उसमें सेलेक्ट किया, फिर आपने ड्यूरेशन, फिर उसके बाद कब स्टार्ट कब एंड, उसके बाद एवरेज, उन्होंने यहाँ पे स्टार नहीं लगाया इसको आप छोड़ भी सकते हैं। फिर नीचे उन्होंने पूछा हुआ है GPA, इसका आपने उन्होंने तरीका बताया इस तरह करके आपने लिखना है, आप इस तरह आप भी लिख दें। और दूसरा फिर उन्होंने पूछा हुआ है रैंकिंग जो है आपकी यूनिवर्सिटी की नेशनल रैंकिंग, ये मैंने 3 लिया। उसने पूछा कहाँ से लिए, तो मैंने HEC से लिया, HEC की साइट का मैंने यहाँ पे उसका लिंक भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद इंटरनेशनल रैंकिंग जो है उसकी यूनिवर्सिटी की आपकी कितनी है, वो 801 है, वो कहाँ से लिया उसका भी मैंने यहाँ पे लिंक जो है वो शो कर दिया। नीचे फिर उसने पूछा है कि जी अभी भी आप स्टडी कर रहे हैं, मैंने इसको नो कर दिया है, तो आपने कभी चाइना में स्टडी की है, मैंने इसको भी नो कर दिया है। नीचे फिर आके आपने अपनी नोटराइज्ड कॉपी ऑफ नोट रिपब्लिक से आपने अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों को आपने टेस्ट करवाना है फोटोकॉपी को, और उसके बाद आपने यहाँ पे लाके अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपने डिग्री कर दी, यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट कर दी। फिर उसके बाद नीचे आके आपने इन्होंने एकेडमिक अचीवमेंट्स पूछा हुआ है कि अगर आपने कोई थीसिस लिखे हुए हैं या पेपर आपने कोई पब्लिश वगैरह किए हुए हैं तो आप यहाँ पे उनको मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें, इसलिए कि यहाँ पे किसी पे भी स्टार नहीं है, ये लाजमी नहीं है। नीचे आए, नीचे आने के बाद उन्होंने आपसे एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड पूछा हुआ है, ये भी लाजमी नहीं है, अगर आपके पास कुछ है तो आप यहाँ पे लिख दें, वरना इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, ऊपर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे अगर आप अपनी एड मोर एजुकेशन करना चाह रहे हैं, जैसे आपने उसके बाद भी कोई सर्टिफिकेट्स या कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इस टाइप की कोई चीज़ है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, या 2 ईयर्स का बैचलर 2 ईयर्स मास्टर उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह करके आप अपनी चीज़ों को ऐड करें। यहाँ पे जाने के बाद ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, तो आपने इसको भी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद ये जो आपका पोर्शन आ गया है 4 स्टेप, यहाँ सबसे पहले आपने अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर लिया, वो आपने लिखनी है लैंग्वेज जो भी है। उसके बाद उसके आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का इन्होंने पूछा हुआ है कि आप इसमें से कोई सिलेक्ट करें, मैंने यहाँ से एक्सीलेंट कर लें या वेरी गुड कर लें, यह आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल में यहाँ से वेरी गुड कर लें वो भी ठीक है, इसलिए कि वो B2 ही आता है वेरी गुड, या एक्सीलेंट भी कर सकते हैं। तो नीचे फिर उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है कि या तो आप ये TOEFL IELTS जो ऊपर लिखे हुए हैं GRE इसको अटैच करें, या फिर उन्होंने ये भी नीचे लिखा हुआ है द यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग द मीडियम लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर यू इज़ इंग्लिश, आपने वो वाला जो इंग्लिश जो है सर्टिफिकेट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये भी करके आपने यहाँ से भी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे आपने ऊपर अपने सिटी का नाम लिख दें और कंट्री का भी लिख सकते हैं, वो भी लिख दें, या फुल एड्रेस लिखना चाह रहे हैं तो फुल एड्रेस लिख दें अपना करंट। नीचे फिर आप अपना ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर और इसको भी आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अभी आप 6 नंबर पे आ गए हैं, 6 के ऊपर आपने यहाँ पे अपनी फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन देनी है, ये आप देख लें, ये इस तरह करके आपने लिखनी है हर चीज़ ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। नीचे फिर आपने यहाँ पे भी नीचे आगे सेकंड भी दे सकते हैं और थर्ड पे भी, उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे भी क्लिक कर देना है। अभी हम आ गए हैं 7 स्टेप पे, रेफरेंस इन्फॉर्मेशन। जिस बंदे ने आपको रेफरेंस दिया है उसका आपने ऊपर नाम लिखना है, जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी से अगर रेफरेंस लेटर आपके पास है तो प्रोफेसर का नाम ऊपर लिख दें, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें जहाँ से आपको मिला है, फिर नीचे वो जो है उसका लिख दें कि प्रोफेसर लिख दें, मसलन कि आपको कहाँ से मिला है कि वो आपका प्रोफेसर था उसका लिख दें यहाँ पे, फिर उसके बाद नीचे फ़ोन नंबर, फिर उसका ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे आप जो है उसका वो जो रेफरेंस लेटर है उसको अटैच भी कर दें। इसी तरह नीचे भी आपने ऐसे ही करना है।
मैंने फिलहाल इस दोनों को एक जैसा लिख दिया, लेकिन आपने डिफरेंट डिफरेंट करके यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह करके आपके जो हैं वो दो रेफरेंस लेटर भी हो जाएंगे, फिर आपने इसको भी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद ये आपका जो पोर्शन है सबसे अहम वाला, ये वाला पोर्शन है, पहले आप डिग्री वगैरह थी वो भी अहम था, ये भी अहम है। यहाँ पे आके अपना फिजिकल इन्होंने लिखा हुआ है, इसको आप रहने दें, इसलिए यहाँ पे स्टार नहीं है, इसको आप बाद में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे CV ये लाजमी है, यहाँ पे आपने अपनी जो CV है वो अपलोड करनी है। वो देखें, वो भी मैंने कर दी, लेकिन ऊपर वाला भी मैंने वो एक कोई डॉक्यूमेंट कर दिया है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप छोड़ दें इसको, इसको ना करें, बल्कि ज़रूरी नहीं है आपके लिए अभी। तो नीचे फिर उन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट कहा हुआ है इसकी, इसको भी रहने दें, ये जो मोटिवेशन लेटर होता है। नीचे फिर उन्होंने आपसे अ स्टडी और रिसर्च प्रपोजल पूछा हुआ है, ये वही है जो स्टेटमेंट वगैरह इसके साथ, इसके अंदर जा रहा है। अभी आप मास्टर में ले रहे हैं तो आपने कोई इस तरह का शायद ना किया हो, तो आप इसके अंदर उनको बता सकते हैं, जी मैंने ये चीज़ में ये चीज़ पढ़नी है, मैंने इसलिए पढ़नी है, जो उसको सारे को एक्सप्लेन कर दें इस तरह करके एक पेज के ऊपर के क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट को यहाँ से आउट किया, इसको उन्होंने इन किया है, और वो 800 वर्ड्स के दरमियान हो, ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ से करने के बाद आपने इसको भी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसको करने के बाद ऊपर देखें, इन्होंने चीज़ें पूछी हुई हैं सारी, आपने इनको आई हैव रीड के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने नीचे आके भी इसको भी यस करना है, इसको भी यस करना है। और आपने, आपको कहाँ से इसके बारे में पता चला, आपने यहाँ से बता देना है, इंटरनेट का बता दें, बस इसको कर दें, बहुत है। फिर यहाँ से आपने क्यों आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपने यहाँ से कर दें हाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग, स्कॉलरशिप, अट्रैक्टिव प्रोग्राम, अफोर्डेबल कॉस्ट, आप सारी चीज़ों की टिक कर दें। सारी चीज़ों को टिक करने के बाद आपने कन्फर्म और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अभी हम चलते हैं, पहला आपका होगी पहली यूनिवर्सिटी, आप दो में से एक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दूसरी के अंदर अप्लाई करना है तो अभी हम दूसरी यूनिवर्सिटी के ऊपर चलते हैं, मैं बताता हूँ कि आपने उसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। ये जो है ये दूसरी यूनिवर्सिटी है UCAS, ये भी जो है चाइना की टॉप की यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त रैंकिंग में आ रही है। मन के ये भी जो है इटली के अंदर, इस लेवल की इटली के अंदर भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी हम सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैं फिर आपको फर्दर बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। यहाँ जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें रजिस्ट्रेशन पे जब आप आए हैं तो रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम को सिलेक्ट करना है, यूजर नेम में आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, नीचे फिर आपने अपना पासवर्ड दोनों दफा सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने ये वाला कोड लिखना है, ये जो उन्होंने कोड दिया वेरिफिकेशन कोड, उसके बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी ये देखें मैं रजिस्ट्रेशन रजिस्टर हो गया हूँ यहाँ पे, और उन्होंने मुझे कहा है कि जी आप ना अब मैं अपनी अब ईमेल को खोलूँगा, वहाँ से इसको कन्फर्म करूँगा, कन्फर्म करने के बाद मैं दोबारा इस पेज पे वापस आऊँगा और अपने जो है रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करके इसके अंदर अप्लाई करूँगा। ये देखें यहाँ पे मुझे उसकी ईमेल आई हुई है, जो मैंने अभी किया है अपना अकाउंट क्रिएट किया दूसरी यूनिवर्सिटी का। मैं इसको खोलता हूँ, इसको खोलने के बाद मैं नीचे आ जाऊँगा, नीचे आने के बाद ये देखें उन्होंने लिखा हुआ है योर एक्टिवेशन कोड, उन्होंने मुझे ये दिया हुआ है, इस कोड को मैंने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। अभी जो मैंने यहाँ पे एक्टिवेशन कोड मैंने अपना कॉपी किया था, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखें उन्होंने लिखा है कि आपका जो एक्टिव हो गया है, अभी मैं यहाँ पे लॉग इन हो जाऊंगा। अभी ये मुझे इस पेज पे ले आया, इस पेज के ऊपर मैंने आके अपनी सारी चीज़ें फिल करनी है और मैंने इसके अंदर अप्लाई करना है। यहाँ पे इन्होंने आपको बताया हुआ है होम पेज के ऊपर के जी अनाउंसमेंट्स है, उन्होंने बताया करंट स्टेटस फॉर एडमिशन एप्लीकेशन ड्राफ्ट, दूसरा ने बताया योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस जीरो एप्लीकेशन। तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि इन चीज़ों को आप पढ़ लें अच्छी तरह, और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि आप इस साइट को भी विजिट कर लें जो इंग्लिश वाली है, इसको आप विजिट कर लें यहाँ से, उसके बाद आप इसको भी टिक करें और इसको भी टिक करके जी हमने ये पढ़ लिया है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन के ऊपर आके एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से अभी आपने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखें आपने अपने मास्टर को सिलेक्ट कर लिया, अगर आप PhD के लिए कर रहे हैं तो यहाँ से भी आप PhD को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ से मास्टर को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने नीचे जितने भी ये थे टिक इनको सबको मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है।
कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अभी ये मेरे पास पेज ओपन हो गया, मैं इसको फिल करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले तो आपने अपना फैमिली नेम, फिर उसके बाद आपने अपना गिवन नेम, ये जो नीचे है नीचे आप आके आपने अपनी जो है तस्वीर है उसको अपलोड करना है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है प्लीज अपलोड योर रिसेंट फुल फेस बस्ट फोटो विद 2 इंच, तो इस तरह करके जो आपने जो अपना जो इस तरह जो लिखा हुआ है, ये इन्होंने लिखा हुआ है फुल फेस बस्ट फोटो, ये आपने जहन में रखना है, इस तरह की आपने तस्वीर खींच के यहाँ पे लगानी है। उसके बाद नीचे आके आपने चाइनीज उन्होंने नेम पूछा है, वो ज़ाहिर है आपका नहीं होगा, तो नीचे फिर आपने जेंडर, उसके बाद इसलिए कि ये सब के लिए, ये वैसे ये चाइनीज के लिए ये नहीं है, ये स्कॉलरशिप जो चाइना के जिसके पास चाइनीज पासपोर्ट है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन चाइनीज नेम तो कई लोगों के होते हैं जो चाइना के नहीं है। तो नीचे फिर आ जाए, नीचे उन्होंने बाद जेंडर, उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, ये उन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ पूछा होता प्रोविंस, तो मैंने यहाँ पे प्रोविंस अपना लिखा है। नीचे फिर ये कंट्री, कंट्री के बाद फिर उन्होंने नेशनैलिटी का पूछा है कि जी नेशनैलिटी को आपने चूज़ करना है एशिया से, फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान इसको भी कर दिया, फिर उसने पासपोर्ट टाइप पूछा है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी एक्सपायरी डेट के बाद आपने यहाँ पे उसका जो फ्रंट पेज होता है जहाँ पे नाम वगैरह लिखा होता है तस्वीर होती है उसको आपने यहाँ पे करना है। उसके बाद नीचे आपने अपनी जो CV है उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आपने अपना स्टेटस जो है वो बताना है उनको, वहाँ से अपने सिंगल कर लें जो भी आपका है उसको करें उस हिसाब से। उसके बाद रिलीजन नीचे आ गया, उसके बाद आपने हाइट अपनी बतानी है और वो आपने आखिर पे बताना है कि आपको कोई मसला तो नहीं है इन्फेक्शन वगैरह, तो आप मैंने इसको कर दिया यस के कोई मुझे मसला नहीं है, अगर आपको कुछ है तो आपने इसको नो करके फिर उसको नीचे आप पूछेगा कि किस तरह का है तो उन्हें बताएं। नीचे भी मैंने इसको टिक कर दिया जी ठीक है जी, मैंने सारी एग्रीस कर ली है, चीज़ें पढ़ ली हैं, सारा कुछ कर लिया है, सारा कुछ मेरा ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर देना। अभी जो सेकंड पेज के ऊपर आपसे ये पूछ रहा है कि जी आपने यहाँ पे परमानेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लें, नीचे प्रोविंस, फिर उसके बाद सिटी। अच्छा, ये जो नीचे वाली चीज़ें यहाँ पे स्टार नहीं लगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको लाजमी करनी चाहिए, इसलिए कि आप जेन्युइन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को सबको फिल करें। यहाँ पर फिर उन्होंने ये कंट्री है ये लाजमी, ये जो ज़िप कोड है ये लाजमी है, मैंने यहाँ पर ज़िप कोड लिख दिया, फिर उसके बाद टेलीफोन, फिर उसके बाद नीचे ये जो है यहाँ पे मैंने कर दिया वो आइडेंटिकल है, उसने चीज़ें वहाँ से खुद ही पिक कर ली। नीचे भी ये देख लें, वो जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि जी आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो है पोस्टल एड्रेस इफ़ द एडमिशन डॉक्यूमेंट्स टू बी पोस्टेड, तो मैंने यहाँ के मैंने इसको आइडेंटिकल ही कर दिया है। उसके बाद नीचे आ जाए, आने के बाद मैंने यहाँ पर फिर अपना टेलीफोन नंबर, फिर उसके बाद नीचे मैंने अपना ईमेल एड्रेस, फिर उसने पूछा बैकअप का कोई ईमेल आपको भी है आपका, वो भी आप लिखना चाह रहे हैं तो आपके पास अगर दो हैं तो दो लिख दें, वरना एक तो आपने लाजमी लिखना है। इसको करने के बाद आपने इसको भी नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी हम देखें यहाँ पे 3 पे आ गए हैं एप्लीकेशन प्रेफरेंस के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने स्टूडेंट टाइप कर दी, फिर नीचे हमने टीचिंग प्रोग्राम, इंग्लिश इंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम, चाइनीज भी है और इंग्लिश भी है। नीचे फिर उसने पूछा है कि जो स्कूल है इनके UCAS के अंडर, तो आप इसमें से कई कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट आपको सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ से सेकंड को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से सेकंड को किया, फिर नीचे मैंने उसका मेजर कर लिया कंप्यूटर अप्लाइड टेक्नोलॉजी, नीचे फिर उसने खुद ही पिक कर लिया है जो है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर मैंने नीचे उसका सुपरवाइज़र का, वो मैंने इसको कोई नहीं इसलिए कोई नहीं है, तो नीचे भी उसने पूछा कि आपका ऑलरेडी है, तो मैंने उसको कहा कि नहीं कोई सुपरवाइज़र नहीं है, नो आई हैव नॉट, तो फिर नीचे उसने पूछा प्लीज़ अपलोड योर पेपर कि अगर आपके पास आपको सुपरवाइज़र से आपको कोई एक्सेप्शन वगैरह मिल चुका है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड करें, मैंने इसका भी कोई नहीं है मेरे पास तो मैंने इसको छोड़ देना है। फिर नीचे उन्होंने पूछा है कि आपको सूटेबल कॉलेज वगैरह आपको मिल गया है, मैंने इसको भी नो कर दिया है। फिर नीचे उन्होंने पूछा अपना मोटिवेशन लेटर है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, पासपोर्ट की मैंने यहाँ पे डेट लिख दी है कब वो शुरू हो रहा है और कब एक्सपायर हो रहा है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। अभी हम आ गए हैं 4 स्टेप के ऊपर, 4 एजुकेशन बैकग्राउंड एंड वर्किंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपने ये देखें, यहाँ पे आपने उन्होंने लिखा है हाईएस्ट डिग्री, आपने बैचलर को सिलेक्ट कर लिया, बैचलर डिग्री अक्वायर्ड, फिर नीचे आपने यूनिवर्सिटी का नाम,
नीचे फिर उन्होंने बताया हुआ है कि जी आपने लोकेशन कहाँ थी, आपने उसको पाकिस्तान जो भी आपकी उसकी लोकेशन है, उसके बाद ऑब्टेन कब की है वो आपने लिख देनी है, उसके बाद आपने उसका उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है उसको यहाँ पे अटैच करना है। फिर उसने पूछा है कि वो इंग्लिश के अंदर ही है, तो आपने उसको यस कर दिया। फिर नीचे उस आपने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट को ऐड किया, फिर उसका भी उसने पूछा है इंग्लिश में, आपने इसको भी यस कर दिया। फिर नीचे आ जाए, उन्होंने पूछा है कि बैचलर टाइम, उन्होंने पूछा है कि जी हाईएस्ट से आप लोएस्ट की तरफ हमें जाके बताएं कि कौन सी बैचलर, आपने ऊपर पहले ही अटैच कर दी, उसको डबल यहाँ पे अटैच करने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे आप अपने हाई स्कूल का लिख दें कब आपने वो कंप्लीट किया, यहाँ उसका बाद में इसको यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं दिया, उसको नल कर दिया। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे हाई स्कूल का नाम, यहाँ पे आपने उसकी लोकेशन और फिर नीचे जो मेजर था वो लिख दिया। इसी तरह आपने उसको भी अटैच किया, पहले उसको अटैच किया, फिर उसकी ट्रांसक्रिप्ट, अगर दोनों सेम है तो दोनों एक ही कर दें। उसके बाद नीचे उन्होंने पूछा है कि ये वाला जो है उसकी, अगर आप चाइनीज़ में नहीं है तो उसका करें, चाइनीज़ और इंग्लिश में नहीं है तो उसकी यहाँ पर ट्रांसलेशन आपने करनी है, लेकिन आपका वो इंग्लिश में ही है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने ऊपर वाला बस कर दिया है। नीचे फिर आपने यहाँ पे भी उसी को कर दें, इसलिए कि एक ही अगर आपके पास है तो दोनों दो जगहों पे एक ही कर दें और नीचे वाले को छोड़ दें। फिर नीचे आके आपने यहाँ पे उन्होंने कहा और भी अगर आपको ऐड करना, जैसे आपने बाद में हायर सेकेंडरी के पास सेकेंडरी को भी ऐड करना है तो कर दें, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे फिर उसने चूज़ किया है, आपने चूज़ करें ऑक्यूपेशन के कौन से, आप स्टूडेंट भी कर सकते हैं अपने हिसाब। मैंने यहाँ से स्टाफ करके फिर ये कंट्री पाकिस्तान, फिर नीचे मैंने लिख दिया कि कौन सी एम्प्लॉयर या कंपनी का नाम आपने लिखना है, नीचे स्कूल या यूनिवर्सिटी। नीचे फिर उन्हें वर्क एक्सपीरियंस पूछा हुआ है, लाजमी नहीं है कोई स्टार वगैरह नहीं है, करना चाह रहे हैं कर लें, अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पे करें। फिर नीचे आए, नीचे उन्होंने के आने के बाद उन्होंने लैंग्वेज पूछा है, ये मदर टांग। उसके बाद नीचे उन्होंने ऑफिशियल का पूछा है, ऑफिशियल है, मैंने इसको कहा यस। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज और नॉट, मैंने इसको भी यस कर दिया है। उसके बाद चाइनीज़ का मैंने इसको कहा कि मुझे कोई नहीं आती, यहाँ से मैंने इसको नो कर दिया है क्योंकि मैं इसमें नहीं स्टडी कर सकता। फिर उन्होंने नीचे इंग्लिश का पूछा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है लेकिन नीचे पूछा है नेम ऑफ इंग्लिश टेस्ट, इसको भी आप रहने दें, इसके बाद स्टडी आप कर सकते हैं, इसको यस कर दिया है। नीचे आपने कोई और लैंग्वेज आपको आती है तो आप यहाँ पे लिखें वो आपकी लैंग्वेज कौन सी है, वो भी मैंने मदर कर दिया है। नीचे फिर कोई और भी लैंग्वेज है तो उसको भी लिखें, लिख सकते हैं। नीचे फिर उसने पूछा है कि जी आपके पास कोई है, आप कोई यूनियन वगैरह में रहे हैं, जब आप स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मैंने इसको नो कर दिया, अपने हिसाब में इसको देख लें। फिर उसके बाद उसने कहा एक्टिविटीज़ के अंदर मैंने इसको 5-6 को टिक कर दिया, लेकिन अगर आपके पास हैं कोई, जैसे आपने फुटबॉल खेलते हैं, रनर हैं, इस टाइप की कोई चीज़ है, कंप्यूटर, कंप्यूटर का तो लाजमी करें, बाकी आप फोटोग्राफ का भी कर सकते हैं, सिंगिंग का भी कर सकते हैं। नीचे फिर उन्होंने पूछा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव पब्लिश पेपर्स वर्क, इस तरह का अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है, कोई आपने इस तरह का कोई आपका कोई अखबार में आया है, कोई मैगजीन में आया है, तो इस तरह करके आप उसका भी बता सकते हैं, इस तरह वहाँ से इसको चूज़ करें, जर्नल आर्टिकल, फिर उसके बाद ऑथर रैंक वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 1-2 इस तरह करके आपने टाइटल पेपर, ये चीज़ें हैं आप इसमें से लिख सकते हैं। यहाँ पे लाजमी है कि इसको फिल करना है, आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख दें टाइटल उसका, तो बाद में नीचे आप उसकी डिटेल वगैरह सारी दे सकते हैं अगर आपके पास है। इन सब चीज़ों को कर और भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को ऐड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपने उसको भी कोई जो आपका है आर्टिकल वो आप यहाँ पे उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप नए भी ऐड, इन सब चीज़ों को करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें अभी हम आ गए हैं फंड सोर्स के ऊपर, ये सबसे अहम पोर्शन है। पहले तो है ये ऊपर वाले को आप सिलेक्ट कर लें अगर आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, अगर नहीं है तो आप सेकंड वाले को करें। नीचे आप लिख दें एनसो यूकैस, उसके बाद सीएससी, ये तीनों आपने लिख दिए। उसके बाद ये नीचे आपसे ये कह रहा है कि जी आपको आप मल्टीपल स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक मिल गई तो बाकी आपको छोड़नी पड़ेगी, मतलब आप एक ही ले सकते हैं। नीचे फिर आपने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का कर दिया, मुझे वो चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर ये खोला है तो उसने पूछा कि उसका सीरीज नंबर बताएं, जो मैंने आपको बताया था कि जब आपने सीएससी का फॉर्म फिल किया था मेरी एक और वीडियो में, तो उसके अंदर आपको एक नंबर मिला था। स्टूडेंट ये देखें अभी मैं आ गया हूँ उसके ऊपर सीएससी के फॉर्म पे,
जो आपको मैंने अपनी एक पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ये मैं उसी को मैंने खोला है। उसको खोल के मैं यहाँ पे एप्लीकेशन के ऑनलाइन के ऊपर आया हूँ तो ये सीएससी का फॉर्म खुल गया है। इसके ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाना है और इसको पहले उसका प्रिंट निकाल के मैंने वहां पर जाके अटैच करना है। मैं इसको यहाँ पे प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा। ये देखें, ये जो मेरा है ये फॉर्म जो है मेरा हो गया। अब इसको मैं जाके वहां पे मैं इसको अटैच कर दूंगा। स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो है ये मेरा सीएससी का फॉर्म है जो मैंने फिल किया है। और फिल करने के बाद मैंने ये जो है यहाँ पे मैंने इसको आपको वैसे खोल के दिखाया है कि जो मैंने जाके वहां पे यूनिवर्सिटी के ऊपर जाके अटैच करना है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आपने ये करना है। ये देखें, अभी मेरा ये फॉर्म है, इस फॉर्म को ये मेरे पास पीडीएफ में है, इसको मैंने वहां पे जाके अब अटैच करना है। यहां पे आके मैंने क्लिक करना है एड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये देखें, मैंने अपना जो फॉर्म है इसके साथ मैंने यहाँ पे किया ब्राउज किया, वहां से उसको सीएससी फॉर्म को यहाँ पे अटैच किया। अटैच करने के बाद मैंने इसको अपलोड पे क्लिक कर देना है। स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इस सीरियल नंबर को मैंने यहां से कॉपी करना है, ये जो सीएससी के फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है सीरियल नंबर, और इसको मैंने ले जाके यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं कर रहा हूं उसके अंदर मैंने वहां पे ये लिखने हैं जहां पे जगह बनी हुई है। ये देखें, यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है सीरियल नंबर। मैं यहां पे आया हूं तो यहां पे लाके मैंने इसको कॉपी कर दिया है। ये मैंने सीएससी का फॉर्म भी इसके साथ अटैच कर दिया है कि मैं उसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है स्कॉलरशिप के लिए, तो वो मैंने लिख दी है जो चाइनीज जो गवर्नमेंट दे रही है। उसके बाद नीचे फिर मैंने एनसो की स्कॉलरशिप को भी क्लिक कर दिया कि ये मुझे ये भी मिल जाए। फिर उसके बाद मैंने यूकेएस की फुल स्कॉलरशिप जो इस यूनिवर्सिटी की है उसको भी मैंने टिक कर दी है। फिर उसके बाद यूकेएस की जो पार्शल स्कॉलरशिप है मैंने उस पर भी टिक कर दी है। अगर फंस गया मुझे पार्शल देते हैं तो उसके बाद मैं इसका जो लेटर है यूनिवर्सिटी का उसको ले जाके फिर मैं सीएससी के साइड पे जाके उसको अटैच कर दूंगा प्री एडमिशन को कि मुझे एडमिशन मिल गया है। तो वो जो सीएससी वाले हैं वो फिर मुझे उस स्कॉलरशिप वो जो बाकी जो होगी वो फिर वो मुझे फुल स्कॉलरशिप उसमें बाकी जो फी मेरी होगी उसको भी ख़त्म कर देंगे और जो बाकी भी जो कोई कुछ जो अमाउंट होगी वो भी मुझे वो पे करेंगे। इस तरह करके मेरे चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे स्कॉलरशिप मिलने के जब मैं 3-4 स्कॉलरशिप के अंदर इकट्ठा अप्लाई कर दूंगा। इसको करने के बाद जो मैंने आपको पहली यूनिवर्सिटी बताई थी उसमें सिर्फ 2 प्रोग्राम थे लेकिन उसके अंदर एक ही स्कॉलरशिप थी, लेकिन इसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं इसमें मल्टीपल स्कॉलरशिप की आपको ये ऑप्शन दे रहा है ये वाली यूनिवर्सिटी। इसके अंदर आप 2, 3, 4 में स्कॉलरशिप के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सबको करने के बाद यहाँ फिर नीचे आपसे ये जो पूछ रहा है कि जी आपने अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो फिर आप अपने 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 खर्चे पे पढ़ सकते हैं, तो मैंने इसको नो कर दिया है। नो करने के बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी इस पेज के ऊपर ये जो फैमिली मेंबर रेफरीज एंड कॉन्टैक्ट इन चाइना ये आ गया, इसके ऊपर सबसे पहले तो आपने यहाँ पे डिटेल देनी है, फादर मदर जो आप देना चाह रहे हैं आप अपनी मर्जी है, इस तरह करके ब्रदर सिस्टर आप इस तरह ये भी देख सकते हैं। मैंने फिर यह फादर का लिख के उसका नाम, उसके बाद उसमें फ़ोन नंबर, फिर अगर इमरजेंसी में उनसे कॉन्टैक्ट किया है मैंने इसको टिक कर दिया है। यहाँ पे आप ईमेल वगैरह भी लिख सकते हैं लेकिन ये ऑप्शनल है, उन्होंने स्टार नहीं लगाया। यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे उन्होंने चाइनीज़ का बताया कि चाइना के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं उनको। इसी तरह अब आप नीचे आ जाए, नीचे आपने फिर आपने रेफरी का नाम, जैसे आपने रेफरेंस लेटर के ऊपर जो अपने प्रोफेसर का नाम, फिर उसकी पोजीशन जैसे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, उसके बाद उसका आपने टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस बिल्कुल ठीक ठीक लिखना है ताकि उनको बिल्कुल उनको ठीक ईमेल जाए। और इसके बाद फिर आपने नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपने सेकंड रेफरी के साथ भी ऐसे ही करना है जो आपका जिसको आपने रेफरेंस जिसका आपने देना है। फिर आपने नाम, अगर आप कोई कंपनी में है तो आपने फिर नाम उस बंदे का, उसकी पोजीशन मैनेजर है, फिर उसका टेलीफोन नंबर, फिर उसका ईमेल एड्रेस, और लास्ट में फिर आपने जो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने नेम्स और करेक्ट बिल्कुल लिखनी है उसकी हर चीज़ रेफरी की। फिर नीचे आ जाए, नीचे उन्होंने पूछा हुआ है कि जी आप के एक्सपेल वगैरह यूनिवर्सिटी कॉलेज से हुए हैं तो आपने इसको यस या नो जो भी है उसको करें, मैंने नो किया है। फिर आपने इनलीगल रिकॉर्ड एनी कंट्री आपने इसको भी नो कर देना है।
उसके बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने पूछा हैव यू बीन कन्विक्टेड एनी क्राइम वगैरह, आपने इसको भी नो कर देना है, और इन सब चीज़ों को करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। नीचे भी आप कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह है तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं क्लिक होगा, तो बस सिंपली आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये दो यूनिवर्सिटीज हैं, जो पहली यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई है उसके अंदर तो सिर्फ आपको टू कोर्सेज मिल रहे थे, लेकिन जो सेकेंड है इसके अंदर आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। अगर आपका पहली में आ रहा है तो पहली में कर दें, दूसरी में आ रहा है तो दूसरी में कर दें। अगर पहली में करना है तो पहले में आपको स्कॉलरशिप वो एनसो की सिर्फ आपको मिल रही है। अगर आप इसमें इसके अंदर कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइसेस मिल रही हैं, इनसो भी मिल रही है, यूनिवर्सिटी अपनी भी दे रही है, उसके बाद गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है वो भी आपको मिल रही है। लेकिन आपको मैं और भी चीज़ बता दूँ, अगर आप पहली यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, लेकिन आपको वो एडमिशन दे देते हैं और सेल्फ फाइनेंस की बेस पे देते हैं, तो आपने उनका भी प्री एडमिशन लेटर लेना है और आके सीएससी की साइड पे आगे लगा देना है। और सीएससी की अगर आपको फिर स्कॉलरशिप मिल गई तो आपकी वो वाली जो पहली यूनिवर्सिटी है उसकी भी फ़ी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपका टोटल आपको फुली फंडेड आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसलिए कि सीएससी के लिए ज़रूरी है कि पहले आप सीएससी में अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए चाइना की गवर्नमेंट में, फिर आप जो जो एडमिशन हुआ होता है यूनिवर्सिटी में आप उसका लेटर ला के सीएससी के ऊपर आप अपना लेटर जो अपलोड कर देते हैं सीएससी की साइड पे। सीएससी की मैंने वीडियो जो पहले बनाई है आपने वो देखी होगी, आपको पता चल गया होगा कैसे तरीका है। मैंने कहा था किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें फिर यहाँ पे लागे, भी उसका टाइम है काफ़ी तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर लाजमी अप्लाई करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।